बाल बाल बचे आरटीआई एक्टिविस्ट चितरंजन प्रसाद गुप्ता। घर जाने के दौरान बाइक पर सवार दो लोगों ने रट से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनकी जान तो बच गई लेकिन पैर में गंभीर चोटें आई। चितरंजन प्रसाद गुप्ता के मुताबिक जमीन का मामला उठाने की वजह से उन पर यह हमला किया गया। देखें खबरें हजारीबाग के संवाददाता प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। कल क्या घटना घटी आपके साथ? दिनांक 8 तारीख को 8/2/2023 को एक घटना घटी। हम घर जा रहे थे तो पंडित जी रोड एक मार्ग है, उसी तरह जैसे ही मैंने मुड़ा तो वहाँ पर घात लगा एक आदमी जो है बैठा था। जैसे ही मेरी गाड़ी वो उसमें मूवमेंट करी, वो व्यक्ति उठा और अपने यहाँ से एक रॉड निकाला जो कि इतना मोटा कासपास था, वो अपार्टमेंट वर्क में ही लगता है वो सब रॉड निकाला और मारना शुरू कर दिया। और चूंकि माथा पुआर कर रहा था, करीब 20-25 रॉड हमको वो उसने मारा। जब मारने लगा तो हम अपने बचाव के लिए जब उपाय करने लगे तो वो व्यक्ति बाइक पीछे से, और उसका सहयोगी था जो बाइक पीछे से मेरा पकड़ लिया, मैंने भाग नहीं पाता। जब उसने देखा कि माथा पर इनका हेलमेट है, जब वार किया तो हालांकि मेरा हेलमेट तो चकनाचूर हो गया सामने से, तो उसने पीछे से आकर मेरे पैर पर मारने लगा। पैर पर करीब 10-15 रॉड्स उसने मारा जो कि मांसपेशियों में इतना चोट आई है कि उसका पेन बर्दाश्त से बाहर। इसके बाद कुछ दो राहगीर वहाँ पहुँचे, तब वो लोग डरा और हमको मौका मिला और बाइक अपना स्टार्ट किए, फिर भी उसने मेरा बाइक को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद इधर से वार किया, अभी साइड से वार किया, 1, 2, 3, 4, 5 जगह इसमें वार किया। जब वार किया तो देखिए जहाँ जहाँ वार किया वहाँ वहाँ गड्ढा हो गया है बचाव में। उसने 40 फीट तक हमको गाड़ी का रैकिंग किया। जब लास्ट उसका एक रॉड मेरा इस पैर में लगा, इसके बाद किसी तरह से वहाँ से जान बचा कर। क्या संभावना है आप पर, क्यों हमला हो रहा है? आप हमला होने सूचना अधिकार मंच के हैं, आप लोगों से सूचना मांगते हैं, काम करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसी का नतीजा है कि जो अभी एक नया भूमि घोटाला का मैंने उजागर किया था, गैर मजरुआ खास खाता जो सर्वे खतियान उसको बदला कोई कीमत पर नहीं जा सकता। फर्जी खतियान रहती खाता बना करके 76 को लोग 10 एकड़ 57 डिसमिल जमीन बेच दिए। तो सबसे पहले प्रथम दृष्टिकोण में मैंने सवाल उठाया कि खतियान एक होता है दो नहीं होता। जब ये घर मजरुआ था तो रहती कैसे बना, और रहती बना तो फिर इसका रिकॉर्ड माल निर्धारण कैसे बना, और माल निर्धारण रिकॉर्ड तो पंजी में कैसे दर्ज हुआ। तो ये तीनों फ्रॉड करा कागज है और इसे भूमाफियाओं की और निबंधन कार्यालय में हड़कंप मच गया। नहीं, निबंधन कार्यालय की बात बाद में आती है, पहले तो अंचल से जब तक LPC निर्गत नहीं होता है तब तक निबंधन कार्यालय नहीं करती है। तो आपका कहना अपने जगह में है, लेकिन आप सूचना अधिकार के तहत आपने देख मांग किया LPC क्यों बनाया गया? जी, मैंने इसके लिख कर दिया, बजाबते मैंने कंप्लेन किया है कि आपके द्वारा जब खतियान एक था गैर मजरुआ खास खाता, तो खाता 76 के रहती खतियान कैसे बना? तो आपको लगता है कि यही सब मामला के चलते आप पर वार किया गया। कल से आप यहाँ शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है, यहाँ की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? जी, यहाँ की व्यवस्था में ऐसा है कि इमरजेंसी वार्ड में जो भी व्यवस्था मिला हमें उससे संतुष्ट था मैंने। लेकिन यहाँ के व्यवस्था में पहले देखा जाए कि जैसे बाथरूम आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे नल गायब है, जैसे देखेंगे बाथरूम जाएंगे तो पानी के लिए आपको सोचना पड़ेगा कहाँ जाएंगे। जैसे अभी जनरल ICU से हमको अभी जनरल में शिफ्ट किया गया, अब यहाँ देखिए पानी का व्यवस्था है। अब सुबह से यहाँ डॉक्टर के लिए प्रत्येक मरीज जो है इंतज़ार करता है, अब मेरे ही लिए मेरी डॉक्टर अभी तक नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये मरीज के लिए ये खतरा भी है कि कभी भी वो इस व्यवस्था को व्यवस्था से अपना जान गंवा सकते हैं, क्योंकि जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे तब तक देखेंगे नहीं। बाकी यहाँ पर तो नर्सेस हैं अपना वो रूटीन वर्क में, कभी सुई देंगे कभी अब देंगे कभी वो। एक प्रश्न और बनता है कि पुलिस प्रशासन आपको जो चोट लगा आप FIR किए? जी, FIR के लिए मेरा फर्द बयान हुआ यहीं हॉस्पिटल में हुआ। कब हुआ? 9 तारीख हुआ। तो इस पर कुछ कार्रवाई अभी तक हो पाई या नहीं? अभी तक तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ अभी इसकी जानकारी हमको। प्रशासन के तरफ से आपको संतुष्टि है या नहीं? अभी तक तो संतुष्टि है कि प्रशासन काम करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ जानकारी मिला नहीं कि जो लोग थे अभी तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का प्रभाव प्रशासन पर तो नहीं है,